देखो भाई, मैंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा, किसी कारण से मुझे नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाया तो मैंने पुराना विधानसभा की अपनी सारी जनता को, अपने वर्करों को, अपने वोटरों को इकट्ठा किया। मैंने उनसे मशवरा किया, अभी हमें क्या करना है कि चलिए। हमें 3 दिन लग गए डिस्कस करते करते, तो सब ने एक विचार करा, भाजपा टिकट तो रईसा है, ये जो भाजपा की टिकट है रईसा है, ये तो गुमराह करा जाता जनता को, इसलिए डमी कैंडिडेट को टिकट दिया था। भाजपा को निर्दलीय जिताना है और मनोहर लाल के पैरों में डालना है, बाकी जनता सब समझती है, जनता पागल नहीं है। फिर हमारे सभी साथियों ने मशवरा करके कहा, भाई इन दोनों से तो बढ़िया इलियास है, इलियास बूढ़ा आदमी है बेचारा, आखिरी इलेक्शन है, इसलिए हमने अपना मन बनाया, अपने वर्करों का मन से टटोला, सब ने एक ही बात की, इलियास को समर्थन करिएगा। और आज जो समर्थन हुआ है ना जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर बढ़ जाएगी आज के समर्थन से। आप लोगों ने देखा होगा क्या हाल था, लोग जनता प्यार से चाहती है मेरे को, मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, 36 बिरादरी का सेवक हूँ, मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया भाई, और ना आगे करूँगा। जो जनता मेरे साथ लगी पड़ी है 24 घंटे जनता के साथ खुला रखूँगा, कभी भी जनता से ये नहीं कहूँगा भाई इलियास पे जाओ, मैं उसका जिम्मेवार हूँ, मैं अपनी जनता को भरोसा देता हूँ, किसी बात की दिक्कत नहीं आने दूँगा। तो कोई आगे की रणनीति है, मैंने जनता से कहा है, मैंने सबने सबको भाई 10 महीने का मेरा इलेक्शन था, ये 10 महीने में इतना इलेक्शन उठा दिया, मैं कहता हूँ इसको इतना उठा दो, मेरे सारे वर्कर बड़े खुश हैं, बड़े तकलीफ में थे टिकट ना मिलने से, पर चलो उनका मन भर गया, कोई बात नहीं, इलेक्शन को तो वैसे उठा देंगे, रईस को तो पैर के तले बिछा देंगे। बिल्कुल ठोक कर प्रचार करेंगे, मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, मेरी टीम सारी रेडी है। इलाके में किस तरह के विकास की जरूरत है, शिक्षा के नाम तक? तो देखो जी, इलाके में तो शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा विकास की जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। बाकी इलियास बेचारा पावर में नहीं था, आपके मालिक को पावर में दे तो हम इसको कम से कम कह तो देंगे खींच के, नहीं भाई ये काम करना है हमें। अब जब आदमी पावर में नहीं होता तो उसे क्या कहा जाए। अच्छा सर, आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, कट गया, लेकिन क्या वजह रही कि आपको कांग्रेस पार्टी का दामन थामना पड़ा बीजेपी? देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था, वजह क्या रही थी, कुछ हमारे यहाँ के जो लीडर है छोटे, वो पट्टा पहनते हैं भाजपा का, काम करते हैं रईसा के लिए, उन्होंने एक ही विचार बनाया था, यादरा में इलेक्शन जीत जाएगा, इसकी टिकट कटवाओ, डमी को दो और रईसा जीत जाएगा, रईसा को जिता करके दिया, मनोहर लाल के पैरों डाल दिए, इनकी सोच ये थी, खड्डा खोदा मेरे लिए, आप उस खड्डे में गिर रहा है, ये पुरानी बुजुर्गों की कहावत है, खड्डा खोदे कहीं और को, आप गिरेगा उस खड्डे। बाकी जनता सब जानती है, जनता को सुर कुछ पता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। नमस्कार, सलाम अलैकुम मेरे प्रिय भाइयों, भाई बोलो टिकट ना मिली, मैंने सब भाई से मशवरा करा, भाई कौन सा बगे रहे लेकिन सबने ये बाबा को दे दो कि बाबा जी ना दो। और भाई मैं आज स्टेज पे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहम्मद इलियास जी का, गुलाब साहब का, अपने इकबाल नेता जी का, सभी मंच समर्थकों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास आए मेरे गरीब खाने में आए, मालिक का शुक्र है, अल्लाह ने चाहे तो जीत ही जीत भाई। और कई भी चीज समझ कर रही है, मैं बैठा प्यारे पीछे मैं मंत्री ना सुने, अब मैं सुनूंगा प्यारी सारी बात। नमस्कार,